एजुकेशन को भी इंशाअल्लाह ताला अपने निजाम की तालीमी निजाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। नाइब स्पीकर, ये मेरा आपसे और इस मुअज्जज़ ज़बान से वादा है कि आप देखेंगे कि लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में किंडरगार्टन में पढ़ता है उसी स्टैंडर्ड की इंशाअल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन शुरू करेंगे। पंजाब का टैक्स फ्री तारीखी बजट पेश किया। सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए मुफ्त दूध, तुलबा को फ्री खाना दिया जाएगा। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम में मजीद 500 गाड़ियां शामिल होंगी। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, किसानों के लिए प्रोग्राम समेत दीगर असलाहत भी गिनवाए। सियासी मुखालफी पर भी ताबड़तोड़ वार किए। बोली टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है, इन्हें अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। इस बजट का हॉलमार्क ये है कि पंजाब के आवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल से दूसरी की तारीख में पहली मरतबा 400 अरब का किसान पैकेज वो स्क्रीन पर है इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आपको और इस मुअज्जज़ ज़बान को जान के खुशी होगी कि आज तमाम पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो दवाई मुफ्त लोगों को दी जा रही है। ना सिर्फ मुफ्त दी जा रही है, उनकी दहलीज पे मुफ्त पहुंचाई जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। पंजाब असेंबली से ज़िमनी बजट की मंजूरी मुअख्खर। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। बैठ जाएं, गला थक जाएगा। मरियम नवाज का तकरीर के दौरान शोर शराबे पर अपोजिशन को जवाब। कहा स्पीकर साहब, उन्होंने 5 साल यही करना है, मुझे उन पर तरस आता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा हाउस को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश की, आइंदा हाउस को इन ऑर्डर चलाने के लिए आईनी इख्तियार इस्तेमाल करूँगा। वज़ीरे आला की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 11 अपोजिशन अराकीन को मुअत्तल कर दिया। जुल्फकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब राशिद शामिल, शेख इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब मुअत्तल। हंगामा आरई करने वाले अराकीन 15 दिन तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर से चैम्बर का असम्बली स्टाफ भी वापस ले लिया। अहमद खान भचर ने सरकारी गाड़ी वापस भिजवा दी। हम भी अपोजिशन में रहे मगर उन जैसी बदतमीजी नहीं की। अपोजिशन जैसा करेगी अब उनको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वजीर इत्तलात अजमा बुखारी की मीडिया डॉग। कहा वजीर आला अपना रोड मैप देते हैं, 100 दिन में इस हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट किए उन्हें 2 घंटों में बयान नहीं किया जा सकता। हुकूमत का अपनी छत अपना घर मंसूबा। आलमी बैंक से मिलने वाले 20 करोड़ डॉलर मंसूबे का हिस्सा होंगे। महकमे हाउसिंग ने मंजूरी के लिए समरी एवान वजीर आला को इरसाल कर दी। आलमी बैंक ने पीटीआई दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 50 अरब का कर्ज मंजूर किया था। किसान कार्ड स्कीम के लिए 9 अरब के अखराजात मंजूर। पंजाब हुकूमत ने महकमा ज़राअत की समरी मंजूर कर ली। डेटा इकट्ठा करने और मुहिम चलाने पर अखराजात होंगे। लाहौर में खेलों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 83 करोड़ 50 लाख की डिमांड। वजीर आला ने 15 जुलाई तक PC1 तलब कर लिए। नवी जमात के हजारों तुलबा को बायोलॉजी की किताब न मिली। हजारों तुलबा पुरानी किताबों पर गुजारा करने लगे। डिमांड के मुताबिक सरकारी स्कूलों को किताबें दे चुके टेक्स्ट बुक बोर्ड का मौकफ। पंजाब के सैकड़ों असातिजा का तरक्की लेने से इनकार। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस, असातिजा से हलफनामा मांग लिया। प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिजा को फौरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटीज प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम। पंजाब के 45,000 स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। लाहौर में 993 से ज्यादा स्कूल्स गैर रजिस्टर्ड हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन की नाहली से तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमे तालीम की अनोखी मंतक, जाती इमारतों वाले कॉमर्स कॉलेजेस को खाली कराया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 10 कॉलेजेस को मुंतकिल करने के लिए हुक्मनामा जारी। बेशतर कॉलेज प्रिंसिपल्स ने कॉलेज खाली करने से इनकार कर दिया।
यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म कर दी। दो हफ्ते बाद आउटडोर खुल गए, इलाज मुआवजा शुरू। नर्सिस समेत दिगर स्टाफ भी ड्यूटी पर आ गया। लाखों मरीजों की जान में जान आई। यंग डॉक्टर्स ने मामला लाहौर हाईकोर्ट जाने पर हड़ताल खत्म की। हेपेटाइटिस बी शहर में पंजे गाड़ने लगा। एक माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 252 केसेस की तस्दीक। ब्लड सैंपलिंग के दौरान हेपेटाइटिस बी के केस सामने आए। जनरल अस्पताल 73, न्यू 51 और जिना अस्पताल में 32 केस रिपोर्ट हुए। 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मियारी करार। क्योरियोन बैग इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन गैर मियारी निकला। हर्बल अद्वियात टैबलेट हबी गूगल खास कीम क्यूटी और ग्लोटेक्स में एलोपैथिक अज्जा पाए गए। लोशन लर्मोस्ट एडवांस्ड और सीरप सोना में एलोपैथिक अज्जा मिले। हर्बल क्रीम बायोटियो और अमेजा ब्राइडो लग्जरी गोल्ड में भी एलोपैथिक अज्जा निकले। गैर मियारी अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। अताउल्ला तारर की एन ए 127 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, रिकॉर्ड तलब कर लिया। अताउल्ला तारर के फॉर्म 45 का रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ तलब किया गया है। गवर्नर पंजाब का सरकारी जामियात से मुतालिक बड़ा फैसला। 25 यूनिवर्सिटीज के कायम मुकाम वाइस चांसलर्स के इख्तियार महदूद कर दिए। सिंडिकेट और सेनेट इजलास मुनाकिद करने से रोक दिया। असातिज़ा की तरक्की और तैनाती भी नहीं कर सकेंगे। 60 अरब के तरक्याती पैकेज की निगरानी। लाहौर के तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी कायम। सीनियर सूबाई वजीर सरबरा, वजीर बल्दियात, वजीर इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी बल्दियात कमेटी का हिस्सा होंगे। वासा भी अपग्रेड होगा। वो सीधा मशीनरी तब्दील करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए तलब। डी जी पी डी एम ए की जेर सदारत मानसून बारिशों पर इजलास हुआ। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के अफसरान की शिरकत। वासा हुकाम की अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर तैयारियों पर ब्रीफिंग। इरफान अली काठिया ने नालों की सफाई सुथरा यकीनी बनाने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी पंजाब के वक्त की मुलाकात। सैयद अली हैदर गिलानी से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात। गवर्नर से बीट रिपोर्टर्स की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। मुहर्रम उल हराम में क्याम अमन और सिक्योरिटी इंतजाम पर बात। शहर के हॉटस्पॉट एरियाज की कड़ी निगरानी की हदायत। काजिकिस्तान के सफीर का कमिश्नर ऑफिस का दौरा। जैद बिन मकसूद ने लाहौर में जारी तरक्याती कामों का बताया। तजारती और सकाफती सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल। मेहमान सफीर लाहौर की दिलकशी के मुतारिफ। डी जी एल डी ए ताहिर फारूक का वन विंडो सेल का दौरा। शहरियों से सर्विसेज की फ्राहमी बारे फीडबैक लिया। डायरेक्टर वन विंडो सेल राफिया नजीर ने ब्रीफिंग दी। बिजली की आसमान को छूती कीमतें। दुकानों के किराए निकालना मुश्किल हो गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी चैलेंज बन चुका। सदर अंजमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की जेर सदारत इजलास में ताजरों की दुहाई। हुकूमत से आईपीपी से मुआहदों पर नजर सानी का मुतालबा। यूएमटी में आलमी मियार की यूनिवर्सिटी की तामीर पर सेमिनार। सीईओ नॉलेज स्ट्रीम्स डॉक्टर सुहेल हुसैन नकवी मेहमान खसूसी थे। मुल्की इक्तसादी मुआशी और तालीमी सूरतहाल पर इजहार ख्याल। पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप। पावरफुल टाइगर्स की शेरशाह क्रिकेट क्लब को 2 विकेटों से शिकस्त। शेरशाह क्लब की टीम 184 रन पर आउट हो गई। पावरफुल टाइगर्स ने हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।